मुलाकात हुई गपशप हुई, मैंने सोचा कि उन्हें एक शॉर्ट सी वीडियो बना ली जाए। बेसिकली मैं इस्लामाबाद आया था। तो कैसे हैं जी आप? जी मैं ठीक। ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल फिट हैं। कैसी जा रही है स्टडीज आपकी? जी अच्छी जा रही है। कौन से लेवल में पढ़ रहे हैं आप? मैं 10th। अच्छा 10th क्लास में। एक क्वेश्चन करना है सबसे पहले, तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जी बस अल्लाह की तरफ से। नहीं, अल्लाह की तरफ से तो कोई क्रीम वगैरह यूज करते हैं आप? नहीं, बस अल्लाह की। अच्छा, मैं आपको देखता हूँ, आपकी स्टेटस वगैरह भी देखता हूँ, आपकी स्टोरी भी देखता हूँ कि आपको गाड़ियों का बड़ा शौक है यार। मतलब एक बंदे को जिस तरह मोहब्बत होती है ना, लगन होती है, तो आपको गाड़ियों के साथ बड़ी एक अट्रैक्शन है, मोहब्बत है। आप जो भी गाड़ी मतलब आपको पसंद होती है ना, आप सड़क पर चलती हुई देख रहे होते हैं, आप कहते हैं कि यार मतलब कमाल। तो ये शौक कहाँ से बिल्ड हुआ, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई? मैं बचपन से ये जो कार वाली मूवीज होती हैं, मैं बचपन से यही देखता आ रहा हूँ, और मुझे फिर वहीं से शौक लगे। अभी भी मुझे फादर ने अपनी गाड़ी लेके दी थी, तो उसको भी मैंने फुल प्यार किया था। अच्छा माशाल्लाह जी। मुझे बहुत शौक है इसकी गाड़ियों का। वैसे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर बहुत सस्ती। आपकी एज क्या है? मेरी 16 साल। 16 साल? 16 साल की उम्र में आप गाड़ी चला? 17 साल। बस पाकिस्तान है तो आपको पता है सब हो जाता है, सब हो जाता है। अच्छा एक और बात बताएं मुझे कि आपकी कोई ड्रीम कार और लवली बोलें ड्रीम कार की आपकी? जी मेरी पोर्श 911 है। अच्छा पोर्श है, क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले वक्त के अंदर आप? जी इंशाल्लाह अवेल कर सकते हैं, आपका वो ड्रीम पूरा होगा जी। तो फ्यूचर के क्या प्लान हैं आपके? फ्यूचर में मैंने बस अभी मैट्रिक क्लियर करनी है, उसके बाद FSC, उसके बाद ACCA का मेरा प्लान है। ठीक है, बेहतर है। ठीक है, उसके बाद फिर बाहर चलें जी। हमारी तो दुआ है अल्लाह के। बाहर क्यों जाना यार, आपने आखिर में जो बात की, बाहर क्यों जाना? पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। मतलब इधर जो है ना ACCA की इतनी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहीं भी चले जाए CA की वैल्यू है, ACCA की बाहर मेरा नहीं, मैंने पता नहीं जाना। ठीक है, मतलब जाने UK जाने 2-3 साल बाद वापस। यूके जाने की वजह क्या? यूके में आपको ऐसा क्या पसंद है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है? यूके में मुझे वैसे मतलब शुरू से मुझे पसंद है उधर की बच्चियाँ। अच्छा, खास तरह बच्चियाँ पसंद है ना, जो मेन बात है वो जी। नहीं यार बच्ची आपके साथ काम बात नहीं जी, इधर जो है ना काला माल होता है, उधर पिंक पिंक माल होता है। अच्छा, में अच्छा, तो ये बच्चियों का शौक कहाँ से है? कहाँ से ये बच्चियों का शौक जी? बस सब जा नहीं रहा, कभी किसी को लगे नहीं है। नहीं सही बात है जी, जी नहीं कभी किसी से लगने का शौक नहीं है जी, बस फिर प्यार मोहब्बत का शौक है। प्यार मोहब्बत कौन से वाली? प्यार मोहब्बत कहीं किसी को? मैं आपको कैसे करके दिखाऊँ? नहीं बता देना, करके ना दिखाएं आप, बता दें हमारे। नहीं जी बस छोड़ें ही आप। अच्छा जी, चला जी, बड़ा अच्छा लगा आज इनसे मिलके, तंज मजाक के साथ गुफ्तगू हुई। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करीम इनके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करे, और ये भी मेक श्योर करे मेहनत करे, क्योंकि अगर इंसान मेहनत करता है अपने काम के साथ मोहब्बत करता है तो कोई भी, मैं वो कासिम अली शाह साहब मेरे टीचर हैं और मैं खुद भी अक्सर कहा करता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द लाइफ, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर सलाहियत है, तो आप हर काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने हौसले से मैं भी जल्दी मेरी गाड़ी निकली है, गाड़ी दिखाइएगा जरा, मेरा दोस्त गाड़ी लेके जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मान लाला।